14 मार्च को सिंधी समाज का संगीत में कार्यक्रम होगा आयोजित। अजमेर, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के बड़े कलाकार देंगे प्रस्तुति। जवाहर रंगमंच पर होगा आयोजन। आज सिंधी संगीत समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 14 मार्च को शनिवार को जवाहर रंगमंच पर सिंधी समाज का एक संगीत में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और सिंधी समाज से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में अजमेर, राजस्थान सहित कई बार के कलाकार प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम सिंधी भाषा में आयोजित होने जा रहा है। गाने भी सिंधी में प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सिंधी युवाओं को सिंधी भाषा के प्रति और सिंधी के प्रति जागरूकता आए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कितनी बार कराया? सिंधी संगीत समिति की ओर से काफी कार्यक्रम रखे जाते हैं, सिंधी भाषा और सिंधी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रखे जाते हैं। इसमें एक सिंधी संगीत समिति मास्टर चंद्र जयंती का कार्यक्रम रखती है। मास्टर चंद्र जो विख्यात कलाकार थे, गायक कलाकार भी थे, लेखक भी थे, खुद के गीत गाते थे, वो मटकी से संगीत को गाते थे, इसमें मशहूर थे वो। ऐसे कलाकार की जयंती सिंधी संगीत समिति मना रही है और वह जवाहर रंगमंच पे 14 तारीख को शनिवार को मना रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी साहब रहेंगे, अतिथि रमेश लखानी साहब, गोविंद खटवानी साहब रहेंगे। ये प्रोग्राम निःशुल्क है, इसके साथ डिनर की व्यवस्था भी करते हैं ताकि महिलाएं जो प्रोग्राम देखने आती है वह घर जाए खाना न बनाए और यहीं आके खाए। ये सारे प्रोग्राम सिंधी संगीत समिति रखती है और युवा वर्ग को जो सिंधी भाषा को भूल रहे हैं उनको भी संदेश देती है कि वह आके प्रोग्राम सुने और सिंधी भाषा को बढ़ावा दें, उससे सिंधी भाषा कायम रहती है। मेरा नाम रमेश चेलानी, कार्यवाही अध्यक्ष सिंधी संगीत समिति अजमेर। क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? सिंधी संगीत समिति की ओर से इस साल 14 मार्च को शनिवार के दिन जवाहर मंच पे एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बम्बई से हमने लता भक्तानी और जयपुर से हमने मनोज मामनानी और अजमेर के राम खूब चनानी, घनश्याम भगत और मुस्कान कोटवानी को बुलाया है, जो इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से सिंधी भाषा में अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। इसमें हमारी यही मकसद है कि हमारी सिंधियत कायम रहे। जैसे हम सिंध से आए तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको सिंध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा ताकि हमारी जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपना धर्म के खातर सिंध को छोड़ के यहाँ आए, क्योंकि हिंदू धर्म कायम रहे और सिंधियत कायम रहे, इसीलिए हम यहाँ आए और यहाँ पहले शरणार्थी थे, फिर पुरुषार्थी हुए, आज हम अपनी पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो इसी वजह से ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं, जिसमें हमारे कलाकार आके अपने ये कार्यक्रम पेश करते हैं। कब होगा और कहाँ होगा ये? 14 मार्च को शनिवार के दिन जवाहर मंच पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है।